तो गैस आज हम हमारा जो हाइपर फ्रंट लाइट गेम है, इस गेम का भाई ये सारे जो आप लोग देख रहे हो ना भाई, जो हीरोज होते हैं ये सारे हीरोज का क्या क्या एबिलिटी है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सा हीरो कौन सा भाई काम करते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल में नए आए हो और आप गेमिंग में शौकीन रखते हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहता है। एंड साथ साथ और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक चैनल को वीडियो लाइक सब्सक्राइब तो करना है, और बाजू का जो बेल आइकन आएगा वो बेल आइकन भी दबाना है। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ आप लोगों को करना है, अगर अभी तक आप लोग ये चीज़ नहीं की हो लाइक वीडियो को, लाइक कर देना फटाफट से, शेयर करना अपने दोस्तों ताकि वो भी ये वीडियो को देख सके, मजा ले सके और उसका मतलब फायदा है फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलो फटाफट साथ वीडियो स्टार्ट करते हो, उससे पहले एक छोटा सा क्लान खुल लेते हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो क्लान में आ जा सकते हो, OptimUS ऑप्टिमस एक एरो देते हैं, इसका नाम क्या लगा सकते हैं, प्राइम, तो फिर सिर्फ और इसको क्रिएट कर लेते हो, अब हो गया। हाँ, तो हमारा जो क्या कहते हैं ये खुल गया है, अगर आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, समझ रहे हो, इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये जो भी आया है दे देता हूँ। अब क्या क्या दिखा रहा है भाई, तो यहाँ पर हो गया, आप लोग आ सकते हो। और चलो फटाफट से आज का जो वीडियो था वीडियो स्टार्ट कर लो, बता दो कौन सा जो हमारा इस चीज़ है इसका क्या मतलब क्या पावर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीरोज में क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सा हीरो है, बहुत सारे हीरो हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ही हीरो हैं। तो चलो पहले से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो है इसका नाम है ब्लास्ट। तो ब्लास्ट का क्या पावर है आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ, तो सबसे पहले देखो ये जो ब्लास्ट है इसका पावर क्या है, इसका पावर है सबसे पहले तो आपको बॉम्ब फेंकते हैं। ठीक है, ये जो बॉम्ब दिख रहा है यहाँ पर साइड में दिखना भी रहेगा, ये जो बॉम्ब फेंकते हैं ताकि उसे डैमेज दे, उसके साथ साथ इसका और एक पावर होता है जंप करने का। ठीक है, ये जंप वाले बहुत ऊंचाई तक जंप करते हैं, और ये एक पावर है जो आपको फिक्स मतलब ये जो एक कुछ टाइम बाद ये वाला चीज़ मिलता है और उससे आप मार सकते हो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तीन पावर है ये वाला कैरेक्टर का, जिसका नाम है ब्लास्ट। ब्लास्ट के पास और एक मिलता है सेंटिनेल, और एक हीरो जिसका पावर आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर। इसका पावर सारे के सारे जो भी भाई हीरो है ना, सारे हीरो के तीन तीन करके पावर है। तो इस हीरो का पावर है सबसे पहले ड्रोन छोड़ता है, या ऐसा कोई ड्रोन छोड़ेगा, और आप लोग ड्रोन के मदद से कोई अगर मतलब कोई छुपा होगा कोई छुपा वगैरह होगा उनको देख सकते हो कि इस तरह बंदा है। ठीक है, दूसरा इसका और एक पावर है, अरे ये आपको फ्री में ही मिलता है। ठीक है, अरे इसमें आपको कॉइन वगैरह लगते हैं गेम के अंदर, तो इसको क्या ऐसा कुछ फेंकते हैं और इसके यहाँ पर देख सकते हो कुछ कॉइन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, जो जो एनिमी के ऊपर मारोगे तो एनिमी स्लो हो जाते हैं, और इसके साथ और एक इसका पावर होता है जो कि आपको फ्री में ही मिलता है, ऐसा कुछ मारोगे तो भाई 100% गारंटी के साथ कोई ना कोई एनिमी को जाके लगेगा और उसको डैमेज देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी एक बॉम्ब की तरह है। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हो आप लोग, इसका और एक पावर आप लोग को दिखा दिया। तो सेंटिनेल भी हो चुका है जो आपको फ्री में ही मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको कैरेक्टर जो है फ्री में मिलते हैं। फिर इसके बाद और एक लिखता है, इसका नाम फेथ एरो, और एक कैरेक्टर है, इसका भी तीन तीन भाई मतलब पावर है अलग अलग, तो आपको एक्सप्लेन कर देते हो क्या है। सबसे पहले तो ये आपको तीर छोड़ता है, ठीक है, एक राइट करके, और बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, और इससे क्या होता है आसपास कोई होगा तो भाई डिटेक्ट कर लेगा। इसको क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं इसका नाम, तो डिटेक्ट कर लेगा मतलब डिटेक्ट मशीन समझ सकते हो, कोई एनिमी होगा तो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसका और एक पावर है जो कि पावरफुल होते हैं बहुत भाई, डैमेज देते हैं बहुत ज़्यादा, ये जाके पूरा एक बॉम्ब की तरह घिरते हैं और पूरा जल जाते हैं मौली के जैसे, समझ रहे हो, मौली के जैसे काम करते हैं। और इसके ये और भी मोस्ट पावर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं, ये वाला जो आपको चीज छोड़ते हैं एरो छोड़ते ही एरो बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं, समझ रहे हो। तो ये तीन इसका पावर है, इसका नाम है फेट एरो। इसके बाद और एक हीरो है जिसका नाम है स्ट्रोम, इसको नाम देखकर ही समझ में आ रहा है आपको क्या इसका पावर हो सकते हैं। इसका जो पावर है भाई स्ट्रोम वाला पावर है, समझ रहे हो। सबसे पहले जो इसका पावर है, आप ये बॉम्ब की तरफ कुछ होंगे और आप लोग चाहो तो आपके सामने जाए मैप में जाके आप भाई ऐसा मारोगे तो ये सामने पूरा स्ट्रोम होना, मतलब यहाँ पर कोई एक स्ट्रोम के जैसे होगा, इससे क्या होगा जो अपोजिट साइड कोई एनिमी होगा तो आपको देख नहीं पाएगा। फिर इसका और एक पावर है जो ऐसा कुछ दिखेगा, कुछ वीडियो लोडिंग नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या है इसका पावर है। तो यहाँ पर भी वही सेम कुछ होंगे जो आपको क्या कहते हैं वो स्टान गन, दूसरा गन गेम में स्टान गन होता है, ऐसे स्टेन गन मिलेगा जो कि भाई एनिमी का थोड़ा स्लो वगैरह कर देते हैं शायद से। फिर इसका ही और एक पावर आप लोगों को देखने को मिलेंगे नॉर्मल कास्टिंग में, जो आपको फ्री में मिलता है ये सारे। इसमें क्या होता है, आप इसमें डायरेक्ट भाई सामने एनिमी देखोगे तो एनिमी के ऊपर डायरेक्ट ऐसा कुछ मार सकते हो भाई, इलेक्ट्रो मार सकते हो ताकि उसका डैमेज हो, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया है एक भाई, समझ सकते हो बहुत बढ़िया है। टाइम लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, तो उससे पहले अगर आपको ठोक दे तो खत्म हो गया, समझ रहे हो, इसका थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन आप छुपे छुपे किसी को ऐसे मार सकते हो। तो इसके बाद चला गया हमारा स्ट्रोम वाला, इस पर और एक बार मिलता है, ये सर फ्री में ही मिलता है इसलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले है कोल्ड कास्ट, लास्ट में और एक फ्री का मिलता है जो कोल्ड कास्ट, इसका क्या काम है आप देख सकते हो। ठीक है, और ये मैं इसी करके रखा हूँ, इसका जो काम है आप लोगों को, ये हमें 100% कॉइन 100 कॉइन मिलता है जब गेम खेलने जाते हैं, कुछ कॉइन मिलता रहता है, उस कॉइन से आपको खरीदना पड़ता है, ऐसा कुछ एक चीज़ मारोगे तो उसको भाई जो है
मतलब क्या कहते हैं, इस ग्लेशियर कर देते चारों तरफ, उसको जमा देते, समझ रहे, ऐसे जमा देते। तो उसके ही और एक पावर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो थोड़ा टाइम बाद बाद मिलता है, ये सारे थोड़ा सा टाइम बाद बाद मिलते, तुरंत नहीं होते। इसे ग्लेशियर करके कवर कर देते हो, आपको कोई आपको मार नहीं पाएगा। कोई अगर सामने से मार रहा है तो इसको कर दो, तो आपको जो अपोजिट साइड कोई एनिमी होगा तो आपको मार नहीं पाएगा। इसका ही और एक पावर है जो आप लोगों को ग्लेशियर के ऊपर ही है, आप लोगों को ऐसा कुछ मार सकते हो, कुछ एक ग्लेशियर वाला चीज़ जो आपको एनिमी को डैमेज देगा और पूरा जगह ग्लेशियर कर देगा, एनिमी आपके सामने आ नहीं पाएगा, समझ रहे हो, ऐसा कुछ। और इसके ऊपर एनिमी आए तो डैमेज भी होते हैं और रुक नहीं पाएगा एनिमी, ऐसा कुछ होते हैं। तो देखो ऐसे ग्लेशियर कैसे जमा दिया, इसको भी फ्रीज कर देते हैं, जो फ्रीज कहते हैं, फ्रीज कर देते हैं। तो ऐसा मैं आप लोगों को कितना पावर दिखाया, 1 2 3 4 पास, एक पास हीरो जो आपको कैरेक्टर को फ्री में मिलता है और इसका जो पावर होता है आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद और भी 7 भाई आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आपको खरीदना पड़ता है, ठीक है, कुछ कॉइन्स वगैरह देकर खरीदना पड़ता है। इसको भी पावर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, नहीं तो ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्त से। अब चाहो तो भाई गिव अवे पार्टिसिपेट करना सकते हो, उसका जो रॉयल पास कहते हैं, विनर पास कहते हैं, उसका गिव अवे चल रहा है, 10 बंदे को मिलेगा बिल्कुल फ्री में हमारी तरफ से। तो इसके लिए गिव अवे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में गिव अवे वाले वीडियो का लिंक मिलेगा। और गिव अवे रिजल्ट तभी आएगा जब हम 1500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, एंड चलिए सब्सक्राइब करता हुआ मिलेगा नया वीडियो सुनने को, तब तक के लिए शुक्रिया।